ये भी पॉसिबल है कि मेरे साथ 2-3 दिन पहले क्या हुआ या 2-3 दिन बाद क्या हो सकता है, पॉसिबल है आपके लिए बताना? हाँ, अगर आप सही टाइम पे अगर पूछते, अगर ये मॉर्निंग टाइम होता तो ज़रूर बताता, और इवनिंग टाइम होता पूजा का टाइम, तो 110% मैं बता देता कि कुछ दिनों के अंदर का वाक्य क्या होगा। ये होता है आजकल ना एक अभी टर्म एक जी। छोटी सी और बता देता हूँ। एक टाइम का आपका मन ये भी था कि अरे, और वो एकदम से उठी और उन्होंने चूल्हे से पूरा राख मेरी तरफ अंगार के साथ उछाल दिया, और एक वो जलता हुआ लिया और दरवाजे पे से मुझे धक्का मारा और भाग गए नीचे की तरफ। नॉर्मल हो गया मेरे लिए अभी कि अगर मैं अकेली जगह में सोया हूँ तो मुझे फील होना कि मेरे आसपास कोई है, कोई सांस ले रहा है या कोई चल रहा है, ये बहुत नॉर्मल हो गया अभी। तो कई बार सोए में ऐसा महसूस करना कि किसी ने दबा दिया है, ये मुझे सच है। वशीकरण जैसी चीज़ है, किस हद तक पॉसिबल है? देखिए, वशीकरण अगर मैं बोलूँ तो होता है, कई चीज़ों में मान सकते हैं। आपने ये सोचना शुरू कर दिया मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, और वो और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। सनातन में लोगों का भूत प्रेत, वशीकरण, प्रेत आत्माएं और यहां तक कि काले जादू में बहुत विश्वास होता है, और लोगों से जुड़ी समस्या भी इन चीज़ों से रिलेटेड है उनकी लाइफ में, क्योंकि भारत की इस पावन धरती पर मैं कहता हूँ लोगों का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी इन्हीं ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत वशीकरण के नाम पर बनाया जाता है, अलग अलग बेशक इलाकों में अलग अलग रूप से। बेशक, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम है संजय सिंह राणा। ये भविष्य भी बताते हैं, पास्ट और फ्यूचर, और इंसान के जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते हैं, और भूत प्रेत जैसी चीज़ों, वशीकरण, शायद इनसे भी रिलेटेड ये कुछ बताते हैं। तो आज हम इनसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे समाधान होता है और कैसे ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। तो सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? देखिए, अब आपने बोला है कि हम सनातन धर्म से हैं, जी मैं मानता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बोलें कि उसको भूत प्रेत का नाम दीजिए तो ये भी मान सकते हैं, आप उसे एक एनर्जी फील्ड माने तो वो भी मान सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों के रूप में अगर आप देखेंगे तो उनके लिए वो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है। बोलते हैं ना कि यूनिवर्स में हम जो चीज़ उछालते हैं वो हमें वापस मिलता है। जी आप अच्छाइयाँ देंगे या ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेंगे, आप बुराइयाँ देंगे और वही ढूंढेंगे तो वही आपको रिटर्न बैक मिलती है। तो ये दोनों चीज़ कंडीशन करती हैं, तो आप उसे भूत प्रेत बोल सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी में कुछ भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली मैं ये मानूँ कि भूत प्रेत होते हैं? हाँ, आप मान सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छी चीज़ें मान सकते हैं तो बुरी चीज़ें भी मानते हैं। जी गुण अच्छे होते हैं तो अवगुण भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। तो क्या आपने कभी, आपने कहा ना पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, जैसा हमारा विश्वास है उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। यस तो डेफिनेटली। आप जिस तरफ हो, पास्ट और फ्यूचर बताते हो, और ये भूत प्रेत वाली चीज़ों के समाधान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर वो भी करते हैं। हाँ जी। तो आपने क्या भूत प्रेतों की प्रेजेंस को कभी महसूस किया है अपनी रियल लाइफ में? देखिए, अगर मैं भूत प्रेत की प्रेजेंस अगर ये बोलूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत बार ये चीज़ें होती हैं, और बेसिकली हम उत्तराखंड की धरती पे बैठे हैं और ये देवभूमि कही जाती है। अगर हम देवभूमि के हिसाब से देखें तो इनकी प्रेजेंस बहुत बार मिल जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तराखंड में अगर आप ये बोलें कि भूत है या देव है, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रेजेंस देते हैं। मेरे साथ भी कई वाक्य ऐसे हुए हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं और उसमें अच्छी भी हैं और बुरी भी है, तो मैं इस चीज़ को नकारूंगा नहीं कि अच्छी नहीं होती और बुरी भी नहीं तो होती। क्या आप अपने लाइफ की वो अच्छी और बुरी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस? देखिए, एक्सपीरियंस क्या, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस था वो अंडमान निकोबार था, जी तो गढ़वाल से तो हम इतना नहीं रहे हैं, बट 14 साल की उम्र से हमारा वहाँ पर जाना ज़्यादा हुआ है। पहले हम भी यही सोचते थे कि काफ़ी चीज़ें लोगों के मन की भावनाएँ ही होती हैं, बट जब हमने उस चीज़ की संस्कृति में खुद जाके देखा है और उसको फील किया है, तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जो हमने अपने मैंने अपने सामने ही उन चीज़ों को देखा है। तो जब तक आप खुद से फील नहीं करेंगे आप यकीन भी नहीं मानते, तो तब यकीन करना ज़्यादा वो हो जाता है। और डेफिनेटली हम देवभूमि के हैं, तो हमारी माँ राजराजेश्वरी है, तो उसकी भी बड़ी कृपा है। तो मेरी फैमिली में मेरे पापा पे पहले वो आती थी, अभी तो खैर उनके जाने के बाद में वो एक हो जाता है कि कभी किसी पे और कभी किसी पे आती है, बट हाँ, आशीर्वाद है उनका मेरे पे, तो कुछ वो भी चीज़ें हैं। कई बार लोग कमेंट्स करते हैं ब्लैक मैजिक को लेकर, या बहुत सारे आते हैं, तो मैं उसमें एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि
आपने कहा ना कि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है वास्तव में ब्लैक मैजिक क्या है, तो भ्रम है लोगों में और कई इस तंत्र वाले लोग मिसगाइड करते हैं, तो इसमें आप किस तरह से ब्लैक मैजिक को समझते हैं और वो कैसे काम कर सकता है अगर हम, मैं बता देता हूँ आपको, कमज़ोर मेंटली। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई लोगों को सुना होगा कि क्या होता है भूत प्रेत, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप उसी को बोलो कि तू इस अंधेरे कमरे में बैठा रहे 10 मिनट 15 मिनट, तुझे डर लगेगा क्योंकि ये भूतिया कमरा था। हाँ। वो यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है बैठ जाएगा वो इसीयर। अब वही चीज़ मैं आपको क्रिएट करवा के दिखाता हूँ। मैं उसको ये बोलूँ कि ये कमरा है, यहाँ पे एक लड़की ने फांसी लगाई थी, सुसाइड किया था, सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और उसकी आत्मा इस कमरे में घूमती है। अगर ये बात सच्ची हुई और उसने कहीं पढ़ा होगा कि हाँ इस कमरे में ऐसा हुआ था, कभी हादसा हुआ था, तो देखिए उसका बिलीफ सिस्टम ये तो मजबूत है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। बट कहीं ना कहीं एक सेकंड एनर्जी उस पर वर्क करना शुरू कर देती है, यार मरा तो था इस कमरे में, तो इमेजिन करने लगा। अगर वो मरा था तो जाहिर सी बात है उसकी आत्मा भी होगी, या कुछ तो नेगेटिव होता है, क्योंकि आत्मा पे तो आप वैसे भी चाहके भी ना चाहके भी बिलीव करना पड़ जाता है। बट आपका जो मन का वहम और डर आपको ना थोड़ी देर बाद इल्यूजन देना शुरू कर जाएगा। आप सपोज दैट सडन लाइट चली गई, नॉर्मल चीज़ है कि कभी भी लाइट आती है चली जाती है, वो एकदम से इमेजिन करेगा, सबसे पहले अपना मोबाइल या टॉर्च ढूंढना शुरू करेगा कि कुछ कमरे में दिखा तो नहीं। और सपोज दैट उसके ठीक सामने वॉल पे अगर शीशा लगा है, ग्लास लगा है, या कुछ भी चीज़ है, उस पर उसको एक हल्की सी भी रोशनी दिखाई दी, वो बोलेगा पक्का भूत था। तो उसके बाद वो डर उसके अंदर बन जाएगा। तो ये वही चीज़ है, आप जितना अपने आप को डाउन करते चले जाओगे, फेस करना शुरू कर दोगे प्रॉब्लम्स को, आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है और वो और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा, या मेरे लिए और बुरा कर सकता है, तो वो और करना शुरू करेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी यही है। और ये चीज़ प्रूव है, साइंटिफिकली प्रूव है, ये मेरे ही वर्डों पे नहीं है। अब क्या होता है, जितने भी लोग ये चीज़ें करते हैं तंत्र मंत्र, मैं आपको बता देता हूँ, वो दोनों टाइप की एनर्जी रखते हैं। किसी का ऑरा आपने सुना होगा, ऑरा बहुत लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं बोलता हूँ किसी को देख के कई बार कैसा होता है, देखते ही अच्छा फील होता है। आप उसको पहली बार मिले, पहली बार मिलके आपको उससे बड़े अच्छा अट्रैक्शन हो गया है, आप उसको बात करना चाहते हैं, आपका उसका चेहरा याद रह जाता है, यह उसका ऑरा। कोई इंसान दिखने में बहुत अच्छा है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास, बट आप उसको देखते ही अजीब सा फील होता है, ओ यार ये कैसा इंसान है, या आप उससे बात भी नहीं करना चाहते, या ना चाहते हुए आप उससे अवॉइड करते हैं उसको, तो ये भी ऑरा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो अच्छी चीज़ें करते हैं वो अच्छा ही ऑरा रखते हैं, और वो आपको लिए सिर्फ पॉजिटिविटी देते हैं, तो उनकी रेमेडी आपके लिए काम करती है। हम बचपन से भूत प्रेतों से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखते आ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि आप पहाड़ से हैं तो पहाड़ों में भी बहुत होता है, वहाँ तो रात को निकलने से भी लोग डरते हैं, बहुत होता है। तो इससे जुड़ी हुई एक चीज़ ये भी है कि लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर भूत प्रेत एंटर हो गए, तो क्या ये पॉसिबल है किसी इंसान के शरीर के अंदर जहाँ पहले से एक आत्मा है जो भगवान का अंश है, वहाँ दूसरी कोई आत्मा आके प्रवेश कर जाए? देखिए अगर ये अगर उसको आत्मा में ही आपको अगर तोल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक शरीर में दो आत्माएं रह जाएं। उसके लिए एक को तो बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि अगर आपका माइंड इस लेवल तक खेल चुका है उस चीज़ को कि आप फील करने लगे हैं कि आपके पास में कोई चीज़ है और वो आपको छेड़ती है, परेशान करती है, या वो आप पे हाई भी होती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको फील करने लगेंगे अपने अंदर। तो ये साइंस भी प्रूव करता है, कई जगह पर मेंटल असाइनमेंट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी लोग बोलते हैं अलग अलग बिहेव करते हैं, मल्टी पर्सनैलिटी निकल के आती है। हाँ। कभी वो कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी वो बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो आत्मा ही नहीं, मैं इसको भी एनर्जी फील्ड में ही कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आप जितने लेवल तक सोच सकते हैं उतने लेवल तक आपके अंदर वो चीज़ें पॉसिबल आ जाती हैं, तो वो आपका माइंड आपके साथ खेलता है। एक इंसान होता है, इंसान आप भी हैं मैं भी हूँ, कोई पढ़ने में बहुत तेज़ होता है और कोई बिल्कुल डाउन वर्थ होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डाउन वाला बिल्कुल बेकार है, वो किसी और चीज़ में एक्सपर्ट होगा। बट अगर आप उसको खाली एजुकेशन में कंपेयर कर रहे हैं तो फिर गलत करते हैं। तो ये सेम चीज़ है कि आपकी बॉडी आपके लिए वही चीज़ बनाती है जो आप चाहते हैं। आपने बहुत साल पहले एक थ्योरी हुई थी कि किसी को पिन चुभाई गई थी और उसको कहा गया था आपको एक सांप से कटवाया गया, आपके अंदर पॉइजन बन जाएगा और आप मरने वाले, और वो मर गया था, जबकि उसे पिन से मारा गया था और उसके अंदर पॉइजन बन चुका था, सेम पॉइजन जो उसको बताया गया था। तो वो किसने क्रिएट किया? उसकी बॉडी ने। क्यों किया? क्योंकि उसका माइंड उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर हो गया कि मुझे सांप से ही कटवाया गया। तो ये हमारा बॉडी का रिएक्शन है।
लोग अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जब किसी तंत्र विद्या वाले व्यक्ति के पास जाते हैं तो कोई कहता है कि आप पे काला जादू कर दिया, कोई भूत प्रेत की बाधा बताता है या कोई कुछ और प्रॉब्लम्स बताता है, उसके सॉल्यूशन के लोग कहता है कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसा ऐसा ब्लैक मैजिक या कुछ करवाया है, तो आप या तो बंधन बंधवा लो या आप भी उसके ऊपर पलट के करवाओ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या ये बंधन जैसी चीज़ें पॉसिबल है, कितनी सच है? और दूसरा, अगर मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है या कोई बंधन बंधाया है और अगर मैं भी पलट के उसके ऊपर कराता हूँ तो उसमें नुकसान किसका है, करने वाले का भी है या कराने वाले का भी है? देखिए, पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो रेमेडीज़ जो बनाते हैं या जो भी चीज़ें, ये किसी की सोच के ऊपर नहीं बनी है जी। ये सब हमें यहीं से मिला, हमारे ग्रंथों से ही मिला। बोलते हैं कि हर चीज़ की नेगेटिव एनर्जी है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी चीज़ें हैं। अभी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मसाले हैं, अगर खाना हम वैसे ही खा लें, उबला हुआ खाएं, तो वो बॉडी को इतना असर नहीं करता है। उसी में हम मसाले डालते हैं, कोई चीज़ें डालते हैं, तो ये भी हमारे लिए बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे गर्म मसाले हो गए, लौंग हो गए, काली मिर्च हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, यही हर्ब्स हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए भी वर्क करते हैं। उसी को हम लोग रेमेडीज़ कॉल करते हैं। जो जितने भी वाइट मैजिक करते हैं यानी जो अच्छा करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली हर्ब्स को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी वही चीज़ें हैं। जैसे तेज पत्ते को जलाने से आपकी कई चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है आपके आसपास की, आपके रुके हुए काम होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। लौंग जलाने से आपके चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, जैसे कोई काम रुके हुए हैं तो इस चीज़ के लिए लौंग का रेमेडी करके देते हैं। हाँ, बस इतना ज़रूर हो जाता है कि जो बनाने वाला होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं बना के देता हूँ, तो ठीक है, मैंने कई सालों तक अगर एक ही मंत्र का उच्चारण किया है और उसको मैं मानता हूँ, उस मंत्र में मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है, मैं मानता हूँ कि वो मंत्र शायद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं जिसको भी वो मंत्र 108 बार या 11000 बार या जितनी बार भी उस पर पढ़ के देता हूँ, तो शायद वो चीज़ उसके लिए और उतनी पक्की हो जाती है। तो जब मैं वो चीज़ करके दूंगा किसी को और उसको बोलूँगा कि ये आपकी समस्या का समाधान है, तो देखिए, आप जितने बिलीफ सिस्टम से मेरी चीज़ को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए वर्क करेगा। वही चीज़ फिर भी बिलीफ सिस्टम आता है, 70% मैं करता हूँ तो 30% भी आपको करना होगा। अब वही चीज़ मैं आपको बोलूँ कि आप एक काम कीजिए, 7 लौंग लीजिएगा और उस पर एक गायत्री मंत्र को इतनी 1000 बार पढ़ना है या इतने 100 बार पढ़ना है, तो आप पढ़ तो लोगे, मगर उस टाइम पे पढ़ने के टाइम पे आपके मन में 100 चीज़ें चल रही होंगी। आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर रहे हैं मगर साथ में अपनी समस्याओं को भी सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, जहाँ नहीं होगा आपने लगा दिया तो दैट मीन्स इट नॉट वर्क, तो ये काम नहीं करेगा आपके लिए। बट जहाँ आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया कि नहीं ये मेरे लिए वर्क करेगा, कुछ भी चीज़, ऐसा नहीं कि खाली इसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आपके लिए वर्क करता है, और नहीं करोगे तो नहीं करेगा। आप मानोगे तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। फ़र्क क्या आ जाता है वही मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे पास पहली बार आए, मैंने आपको एक छोटा सा समाधान बताया, चलिए मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए आपका कहीं पर रोज़गार का है, आपको जॉब लगना था, आप बहुत टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं, नहीं कर पाए, तो एक जरिया भी हो जाता है। कई बार आप मेरे पास आए, आपने वो समस्या मुझे बताई, यूनिवर्स ने वो मेरे जरिए एक्सेप्ट कर ली और मैंने आपको गलती से ये बोल दिया, या समझते हुए या आपके शक्ल देख के या आपके उसको देखकर मैंने बोल दिया ठीक है 10 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उस 10 दिन में आपका रिजल्ट आ गया। देखिए, काम तो तब भी होना था, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से वो काम हुआ है, बहुत टाइम से लटका हुआ था, ठीक है, बट क्या पता वो राइट टाइम था आपका मेरे पास आने का और मेरे मुंह से वो निकलने का। काम हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपके मेरे पे आस्था बन गई। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास प्रॉब्लम होगी या आपके किसी भी जानने वाले के पास प्रॉब्लम होगी, आप मेरे पास ही आएंगे। बट ये ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरे पास सोल्यूशन होगा। मेरी सिद्धि या मेरा जो भी मंत्र उच्चारण है वो काम करती होगी, बट वो भी एक राइट टाइम पर ही काम करेगी। आप यूनिवर्स में से कुछ भी चीज़ इधर का उधर नहीं कर सकते। छोटी मोटी समस्याएं होती है, उसका समाधान हर किसी के पास है, मंत्रों में भी है, वेदों में भी है, सब चीज़ों के लिए। बट करने वाला कितना सिद्ध है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मेन बात यह है कि ये जो उल्टा करता है उसका क्या होता है? देखिए, उल्टा जो करते हैं उन्होंने बहुत टाइम दे देते हैं जी। अब जो वाकई में साधना करते हैं, जो शमशान में बैठ के साधना करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें लगा दी, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली वर्क करती होगी, मैं मानता हूँ। क्योंकि जहाँ पे बैठ के हम 2 मिनट नहीं काट सकते अकेले में, उस इंसान ने अपने पूरे जीवन वहाँ काटा है, तो कुछ तो उसने भी वहाँ से पाया है, यानी नेगेटिव आ रहा है।
तो वो उसके लिए तो काम करेगा, और मैं अगर मंदिर में बैठ के सालों मैंने अगर लगाए हैं एक पूजा पाठ में, एक मंत्र उसको करने में, सिद्ध करने में, तो मेरे लिए मेरा पॉजिटिव वाला काम करेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए उसका करेगा। बट जितने ये नकली बनते हैं, चार वो उल्टे सीधी चीज़ें लगा दी और उसके बाद वो करने बैठते हैं, तो इनका तंत्र मंत्र भी काम नहीं करता है, ये सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। जैसे मैंने एक साधु से पूछा था, तो उन साधु ने ये बताया था कि जो लोग नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, तो कह रहे सबसे पहले तो जो तांत्रिक है उसका खुद का बुरा होता है, वो अपने पूरे शरीर को ख़त्म कर देता है। देखिए यही चीज़ पॉजिटिव वाले के लिए भी होता है जी, मैं आपको वही बता रहा था कि ये चीज़ तो पॉजिटिव वाले के लिए भी है। अगर आप मानिए कि सपोज दैट आपके पास 100 रुपये, आप उसको बांटना शुरू करिए तो खर्च तो होंगे ना, तो ये तो आपको अपने अर्निंग सोर्स भी शुरू रखने होंगे कि आपके पास भी पैसा कहीं से आता रहे। तो ये सेम चीज़ है, अगर मैं आपकी कोई परेशानी दूर करने के लिए कोई आपके लिए रेमेडी बनाता हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी। अपोजिट, आपकी अगर प्रॉब्लम्स हैं, सपोज अगर मैं मान लूँ कि आप बोले कि भाई मैं बहुत टाइम से बेरोजगार घूम रहा हूँ, अब मेरे साथ तो ये वाले हाल है कि आज मैं पैसा लाऊं और कल मेरे ऊपर 2 और कर्जे चढ़ जाए, है ना, आज 100 रुपये आया और 200 रुपये का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ जाता है, मैंने आपको समाधान बना के दिया, तो डेफिनेटली आपकी जो वो नेगेटिविटी मैंने खर्च की है ना, ख़त्म की है, तो कहीं यूनिवर्स में जाएगी, तो सबसे पहले वो उसकी तरफ आती है जो आपके लिए करके दे रहा समाधान। हाँ। क्योंकि ये तो विधि का विधान है कि आपको वो सब चीज़ झेलना था, बट ऑप्शन मेरे पास है, मैंने वो ऑप्शन आपको दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा, मेरी तरफ। तो सेम चीज़ नेगेटिव एनर्जी पे भी वर्क करता है और पॉजिटिव पे भी। मान लो कोई पर्सन तो किसी के लिए उस एनर्जी का यूज़ करवा रहा है, मान लो मैं किसी और पर्सन पर जाता हूँ और उसके लिए कुछ बुरा करवाने, तो क्या फिर वो एनर्जी कुछ नेगेटिव करवाने के बाद, ब्लैक मैजिक करवाने, क्या उस पर्सन को भी इफेक्ट करेगी जो उस चीज़ को करवाने गया है? डेफिनेटली, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले तो मैं सभी के लिए ये बोलता हूँ, इवन मेरे पास भी जो आते हैं कि हमारे ऊपर मेरी कोई बोलते हैं बहन ने कर दिया, कोई जेठानी ने, कोई सास ने, ससुर ने, ये नॉर्मल हो गया, अभी ये पारिवारिक कलेश में भी लोग काउंट करने लगे हैं कि भाई इसने ये किया। मैं कभी भी एक चीज़ बोलता हूँ, आप अपना भला सोचिए ना, आपको उनका बुरा करके क्या मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बुरा किया, ठीक है आपका बुरा भी हो रहा होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए कि उन्होंने कोई चीज़ किया और आपके लिए बुरा हो रहा है, बट वही चीज़ सोचिए कि अगर आपका पॉजिटिव वे में अगर वो ठीक हो जाता है, या मैं आपके लिए सुरक्षा कवच बना देता हूँ, या आपकी इतनी वो चीज़ें सेट कर देता हूँ कि वो चीज़ें आप तक आएंगी नहीं, तो वो जाएगी कहाँ, वापस अपने करने वाले के पास, तो उसका बुरा तो अपने आप ही हो जाएगा ना। आपको अपने मन में बुराई नहीं लानी है। देखिए आप जब किसी के लिए बुरा करने की सोचोगे ना, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए रिवर्ट लेने के लिए भी तैयार रहिए कि वो वापस आप तक आनी है। अब गढ़वाल में ही हमने कई बार देखा है कि लोग बोलते हैं इसने देवी देवता लगा दिए, मैं उनसे एक बात ही पूछता हूँ, हर बार यही पूछता हूँ, कौन सा देवी देवता ऐसा होता है जो बुरा करना चाहता है? ठीक है आप उसके अनुयायी हो, आप उसको मानते हो, अगर उसने एक बार उसका सुमरण किया है कि भाई उसने मेरा बुरा किया तो उसका बुरा कर क्या, बट भगवान तो वो उनका भी है ना, तो वो बुरा नहीं करता है, वो एक बार के लिए सामने वाले को महसूस जरूर कराएगा कि देख तू ये कर रहा है तो गलत, बट वो भी तब वर्क करेगा वाकई में जब आप इतने सच्चे मन के हो कि भगवान आपकी सुने। अगर आप सच्चे नहीं हो तो किसी का भगवान किसी के लिए बुरा करने के लिए नहीं है, भगवान तो सबका है ना, तो आजकल वही कि आप अच्छाई दो तो अच्छाई मिलेगी, बुराई दोगे यूनिवर्स में तो बुराइयाँ ही मिलेंगी। मुझे वशीकरण जैसी चीज़ है, किस हद तक पॉसिबल है? देखिए वशीकरण अगर मैं बोलूँ तो होता है कई चीज़ों में, मान सकते हैं कि आप किसी के अगर सोल पे अगर अटैक करते हैं या उसकी फील्ड ऐसी बना देते हैं कि एनर्जी उस तरह की उसके अंदर डाल दें, तो हो सकता है कि वो काफ़ी चीज़ों में आपकी बात मान लेता है। अभी जैसे कई लोग अलग अलग तंत्र क्रियाएँ कराते हैं, कोई हांडी वाली करता है, कोई कुछ करता है, और कई बार मैंने देखा है कि गढ़वाल में भी हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे भी पूजा पाठ करके चौक में इस तरह रख दिया जाता है, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो ये भी वही एनर्जी फील्ड पे ही वर्क करती हैं, वशीकरण भी वही है, घुमा फिरा के आप कुछ भी जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ तो एनर्जी ही वर्क करती है। जैसा आपने कहा ना हांडी रख देते हैं, तो उससे मेरे को एक चीज़ याद आई, कई बार हम जाते हैं सड़कों के बीच में पड़ा रहता है तो कई लोग मना करते हैं कि उस पर हाथ मत लगाओ, छुओ मत, गाड़ी मत ले जाओ, सही है या फिर उड़ा के निकल लो? नहीं नहीं देखिए मैं तो ये बोलूँगा, अभी वही वाली बात है ना कि अगर मेरे घर से मैंने गंदगी या कीचड़ उठा के बाहर रखा है तो आप उसे साफ करोगे? उसके लिए जमादारी होगा है ना, उसी को बुलाओगे आप, उसको खुद से तो उठा के नहीं करने शुरू कर दोगे, ठीक है ना, तो नहीं छेड़ना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है तो नहीं है,
ठीक है, वो चलते फिरते कुछ टाइम की मियाद होती है, हर चीज़ की एक मियाद होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। जो आपको धागा बना के देते हैं कि ये नज़र का धागा है या आपके लिए प्रोटेक्शन का है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। हर ग्रहण के बाद हर चीज़ें बदलती हैं, हर अक्षांश के बाद में जब भी हमारे ये वर्क करते हैं, घूमते हैं नक्षत्र, तो उनमें चीज़ें बदलती हैं, तो कुछ लिमिट के लिए ही होते हैं। 3 महीना 6 महीना जी, ऐसा कोई चक्र नहीं बना के दे सकता या कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है जो आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करता है। लाइफ टाइम आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ वर्क करता है, आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम कि आपके अंदर पंचभूत मौजूद हैं जो इस दुनिया को बनाते हैं, उसी ने आपको बनाया, तो आपसे बड़ा कुछ नहीं है अगर आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। लोग नेगेटिव एनर्जी से, भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। आपने जब ये चीज़ें स्टार्ट की थी या आज के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आज तक आप भी कभी डरे हैं? अगर ये मानूँ तो वैसे तो ये बहुत बार होता है कि ये एहसास होना बहुत नॉर्मल हो गया मेरे लिए अभी, कि अगर मैं अकेली जगह में सोया हूँ तो मुझे फील होना कि मेरे आसपास कोई है, कोई सांस ले रहा है या कोई चल रहा है, ये बहुत नॉर्मल हो गया अभी। अब वो चीज़ें थोड़ा दूर हो गई है कि छोड़ो, जो होना है वो होना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपने आसपास हमेशा रहता ही है। आप ना भी माने तो भी कुछ ना कुछ आपके आसपास हमेशा रहता है। तो कई बार सोए में ऐसा महसूस करना कि किसी ने दबा दिया है, फिर ये फील होना कि शायद मैंने छाती पे हाथ रख दिया तो ऐसा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि छाती पे हाथ रखा। कई बार आँखें खुले में भी ऐसा हो जाता है कि ऊपर से किसी चीज़ ने प्रेस कर दिया है। तो आप कितने भी सिद्ध हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके आसपास भी रहेंगी। अगर आप इससे जुड़ी हुई आपकी कोई स्टोरी सुनाना चाहें। ये ऐसे हादसे बहुत सारे हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक टाइम था, बोलते हैं लड़कपन होता है जब, बोलते हैं तो पहली बार ही हम लोग गढ़वाल में आना जाना हुआ था, तो 14 साल की उम्र में था। 17-18 साल की उम्र में मैंने प्रॉपर गढ़वाली सीखी थी। तो एक टाइम का वाकया है कि ऐसे सर्दियों का ही टाइम था, बच्चों के हाई स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पर गढ़वाल में, तो हमारा एक क्षेत्र पड़ता है बुढ़ना। बुढ़ना से नैलचामी, मेरे नानी लोग का गाँव पड़ता है नैलचामी, तो मैं बुढ़ना से पैदल चला था बाई रोड, तो वो कम से कम 5 किलोमीटर का वॉकिंग है ऑन रोड। उसके बाद कम से कम 2-3 किलोमीटर आपको डाउन रोड उतरना पड़ता है, जिसमें बीच में एक या दो गांव लगते हैं। एक गांव यहाँ पे है, फिर खेत हैं और झाड़ी झुड़ी होके जाते हैं, फिर उसके बाद फिर कहीं गांव पड़ेगा। ऐसे करके मुझे जाना था। तो वाकई अभी तक इसलिए याद है कि थोड़ा सरप्राइज़ मैं भी हुआ था। उस टाइम तक मानते भी नहीं थे, क्योंकि जब आप यंग होते हैं ना तो आपका दिमाग किसी और लेवल का होता है। मैंने चलना शुरू किया तो अंधेरा हो गया था काफ़ी टाइम तक। हमारे यहाँ पे एक चिरबटिया जगह है, चिरबटिया बहुत फेमस जगह है क्योंकि वहाँ पे यो टूरिस्ट प्लेस भी बना है। तो वहाँ पे कई साल पहले एक गाड़ी गिरी थी जो पूरी बारात से भरी हुई थी। तो जब मैं उस जगह पे पहुँचा था तो आई जस्ट फील कि हवा तो चलना नॉर्मल होता है, देखिए पहाड़ का है तो हवा चलना ये सब होता है, नॉर्मल होता है। तो मैंने जस्ट वहीं पर एक चीज़ फील की थी, मैंने कहा था यहाँ पर उस दिन गाड़ी गिरी थी। और सौभाग्य से ये मान लीजिए कि उस दिन मैं भी वहीं पर था और मैं काफ़ी लोगों को खींच तान करने में हम लोग भी वहाँ पे थे। तो उस टाइम का वाकया याद आ गया और मैं फिर उससे थोड़ा आगे चला तो डर हावी हो चुका था। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं था, क्योंकि आप सुनसान रोड पे चल रहे हैं और वो भी पहाड़ी एरिया में, तो डर हावी हो जाता है। अब जब आपके ऊपर डर हावी होता है तो बहुत लेवल अलग हो जाता है उसका। बट अपना बिलीफ सिस्टम एक था कि जब तक अपने साथ अपनी देवी है, अपना नर्सिंग है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे क्या दिखा कि एक लड़की घास का ऐसे पीछे टोकरी होती है, कंडा बोलते हैं हम लोग, तो उस पर घास लेके आगे आगे चल रही है। एंड आई जस्ट सेड भगवान तू आ गया, समझ ले कोई तो साथ ही मिला। तो वो लड़की आगे आगे चल रही थी और मेरे और उसके बीच में काफ़ी गैप था, बट एक सहारा बन गया था कि यार चलो शायद मैं इससे बात करते करते आगे तक निकल जाऊँ। मैं जितना तेज़ वॉक कर रहा था उतनी तेज़ वॉक उसकी गैप मेंटेन नहीं कर पाया मैं। एक लेवल आया कि जैसे एक स्टेशन है वहाँ पे, हम लोगों के उड़ाखाल बोलते हैं उस जगह को, तो वो स्टेशन पे हम लोग हैं मामा लोग की दुकान है। तो जैसे ही वो बैंड आया तो वो उस बैंड से मुड़ गई और मैं जब तक उस बैंड पे आया तो आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ से थोड़ा आगे निकल के फिर मैं अपने नाना लोग की दुकान पर गया, वहाँ पर मैंने थोड़ा रुका, सांस ली, क्योंकि बहुत तेज़ चल रहा था। अब बोलते हैं ना आप डर में कितना तेज़ चल, तो मैंने जब उनसे ये चीज़ पूछी थी कि अभी कभी कोई लड़की यहाँ से घास लेके आई है, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा वहाँ से। कह रहे इतनी रात को? मैंने कहा जी। कह रहा बेटा गढ़वाल है। अब उनका तो बोलना सही था कि गढ़वाल है, तुम नए हो। अब वो भूत प्रेत नहीं बोलता, वो लोग तो बोलते भाई शेर भी लगा है, भालू भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने उनको बोला नहीं एक लड़की अभी अभी। कह रहा इस टाइम पर लड़की मिली तेरे को? कह रहा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है।
फिर वो जब वहाँ से निकल के मैं नीचे गांव गया, गांव से नीचे पहुँचा, फिर अपनी मामी के यहाँ पे गया, तो वो एक सडन शॉक था मेरे, कि मैं जैसे ही उनके दरवाजे पे ऐसे गया और वही मजाक मस्ती था, तो मैंने एकदम से ऐसे मामी खाना बना रही थी चूल्हे पे, एंड जस्ट सेड आई एम बैक, और वो एकदम से उठी और उन्होंने चूल्हे से पूरा राख मेरी तरफ अंगार के साथ उछाल दिया और एक वो जलता हुआ लिया और दरवाजे पे से मुझे धक्का मारा और भाग गए नीचे की तरफ। अब मैं तो सरप्राइज था कि ये क्या हुआ था, गुजबम्स आ गए। तो मैं इस चीज़ से सरप्राइज था, ये क्या हुआ, मामी को क्या हो गया कि इन्होंने जलती हुई राख भी फेंक दी, कोयले भी फेंक दिए अंगार। तो जब वो वापस आई तब उन्होंने बोला, कहते तू एक नहीं दो दो तीन तीन चीज़ों को अपने साथ ला रहा था। अब उनके हिसाब से तो वो भूत प्रेतियों थे। हाँ, अब मैं उनको वही नेगेटिव एनर्जी में काउंट करता हूँ कि भाई जब चीज़ें आपके साथ है तो नेगेटिविटी आती है उनकी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो मुझे वर्ड बोला था वो एक ही चीज़ बोला था, कहता आज तुम्हारी भगवती तुम्हारे साथ नहीं होती तो तू यहाँ तक नहीं आता, तू रस्ते से ख़त्म हो गया होता, कह रहा आगे तुरे को एक साया दिखा होगा। मैंने कहा साया नहीं, एक लड़की दिखी थी और ऐसा ऐसा था। तब उन्होंने ये चीज़ प्रूव किया था कि आपकी देवी आपके आगे आगे चल रही थी, आप इसीलिए सही सलामत यहाँ तक आए हो, अदरवाइज शायद नहीं आते। तो होता है ये पहाड़ में, बहुत नॉर्मल है जी, बहुत बार हुआ है और बहुत बार हमने सुने हैं और देखे भी है किससे, तो वो चीज़ों को हम डिनाई नहीं करते हैं। मतलब अब नहीं डरते, अब से डराते हैं? देखिए ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये वो सब चीज़ें डराती हैं, कई बार अटैक भी करती हैं, होता है, सब चीज़ें होती हैं। एनर्जी फील्ड को तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप कभी संयोग देखिएगा कि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं और सडन कोई बहाना लग जाता है, आप 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट बाद आप उस जगह पे जाते हैं, देखते हैं आगे बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो शायद आप भी हो सकते थे। कई बार आप घर से बाहर निकल रहे हैं, एक छोटी सी खरोच लगी गाड़ी निकालते हुए, या निकलते हुए आपके हाथ पे कोई चीज़ चुभ गई, तो इट मीन्स वो बहुत बड़ी घटना को छोटा सा हो गया, और आप आगे जाके देखते हैं तो कुछ बड़ा भी होता है, या आपका ही एक्सीडेंट होता है बट आपको खरोच भी नहीं होता, आप ऐसा होता ओ बच गया, तो वो बहुत बड़ी घटना वहाँ छोटी सी हो गई। बाइक चलाते हुए कई बार होता है आप ओवरटेक कर रहे हैं, अचानक से सामने से गाड़ी आई और आपकी गाड़ी इधर बच गई, तो ये छोटी छोटी घटनाएं भी आपके लिए वही चीज़ें वर्क कर देती हैं एनर्जी फील्ड। ये भूत प्रेत वशीकरण की चीज़ों को अगर हम साइड रखें तो आपके बारे में जो आपकी खासियत हमने सुनी है वो ये है कि आप भूतकाल यानी पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं, वो भी इंसान को उसके सामने देख कर। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो अगर मैं बोल दूँ कि मेरे बारे में बताओ तो आप बता देंगे, तो क्या पॉसिबल है किसी इंसान का पास्ट और फ्यूचर बताना? देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉपर ऐसा होता है, बट मेरे लिए ये कैसा है मैं भी नहीं जानता हूँ। ये एक्चुअल में ये हुआ तब ऐसा था कि 14 या 15 साल की उम्र से ही ये सब चीज़ें हुई हैं, ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बहुत पहले से ये बोल सकता हूँ कि वो चीज़ें हो जाती थी, जैसे मैंने आज कोई चीज़ देखी है और अपने ख्वाब में मात्र देखी है, बट कुछ टाइम बाद मैं वो सामने देख रहा हूँ, या जो चीज़ आज मैंने फील किया वो बाद में मुझे उसमें दिखा है, बट ये मुझे नहीं पता था कि मेरी बोली हुई चीज़ें काफ़ी वो चीज़ें सच होती हैं। ये तब हुआ था जब मैं कई बार किसी के बारे में, आप जैसे मेरे साथ बैठे हैं और आपने अपनी समस्या बोली और मैंने बोल दिया था अरे तुम ऐसा करो यार तुम्हारी चीज़ हो जाएगी, और वो सच हुआ है। कई बार क्या होता था कि मैं पहले लोगों के आगे के बारे में बता देता था, अरे तुम्हारा ये काम इतना टाइम में होगा, तो हो जाता था, मैं भी समझता था कि शायद बोला हुआ हो जाता है कई बार, तो कई लाख लोग बोलते थे मेरे को कि आपके जबान पे देखो कहीं तिल वगैरह तो नहीं है, आपकी काली जबान तो नहीं है, तो मैं मजाक में ही लेता था। बट एक्चुअल बोलूँ तो मैं ये चीज़ें 24 या 25 साल की उम्र के बाद में काफ़ी वे में गया कि मुझे एक बार एक सपने में काफ़ी ऐसे ही हुआ था कि एक मंत्र मुंह पे आ गया था। तो जब मैं गढ़वाल के टूर पर था उस टाइम पर एक साधु मिले थे मुझे, तो मैंने उनसे ऐसी अपना हाथ दिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, कहता है ज़रूरत नहीं है, कहता है तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कह रहा आगे बहुतों को बताना है। मैंने कहा ठीक है मान गए। उस टाइम पे बोल सकते हैं आप यंग जनरेशन में आप वही बोलते हैं कि अरे यार क्या, तो वही चीज़ मैंने भी सोचा था ठीक है बोल दिया, ये खुद ही घूम रहा है तो इसको भी क्या मालूम। तो बट मैंने उसको एक ही चीज़ पूछी थी, मुझे सपने में एक मंत्र मिला था, मैंने वो कभी पढ़ा नहीं है अपनी ज़िंदगी में और पता भी नहीं है कि वो मंत्र क्या है, बट वो मंत्र ये है। तो बोलते हैं इसे बोलते हैं सिद्धि मिलना। अब कहते हैं इस मंत्र का जाप कर लो, जितने बार आप जाप करोगे वो आप सिद्ध कर सकते हो उसको, फिर आपको मिला है तो एक तरह से आपको एक किताब मिल गई है, आप उसे पढ़ो टेस्ट पास करते रहो, ये हो जाता है। तो ठीक है मैं उस मंत्र को आज तक मानता हूँ और जिसके लिए भी आप प्रे करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसका काम बन जाए,
मेरी भावना सच्ची होगी तो काम हो ही जाते हैं। आप खाली अगर मतलब के लिए कर रहे हैं तो फिर तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। मतलब मैं किसी रैंडमली किसी अननोन पर्सन को आपके सामने लाऊं और कहूं कि इसके बारे में क्या पॉसिबल है? डिपेंड करती है कि उसकी क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर देखिए, अगर वो ऑरा से पूरा ही बंधा हुआ है, नेगेटिविटी से पूरी तरह बंध गया है, तो पॉसिबिलिटीज है, एक दो विजिट में उसका पता चल जाता है। वैसे तो मेरे ये ऐसी चीज़ है कि आप मेरे सामने बैठे, आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और टाइम मुझे बताया, मैं उसको एक गणित के रूप में ले लेता हूँ। आप मानिए कि मैं उसे गणित में लेता हूँ, मैं गणित में उसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ। वो शब्द मेरे लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आप बोलिए कि आप मन लगाइए और एक स्क्रीन आपके सामने खुलिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं वो स्क्रीन देख रहा हूँ, उसमें से जो जो आपने पॉइंट पूछे सिर्फ वही स्क्रीन बाहर निकालिए और बता दिया। तो ये होता है, तो उसमें आपका चाहे पास्ट होगा चाहे प्रेजेंट होगा। एंड आई एम श्योर कि मैंने आज तक जितनों का देखा है कभी ऐसा हुआ नहीं है किसी ने मुझे डिनाई किया है कि नहीं आपने गलत बताया। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर सभा में किसी को बोला जाए तो उस टाइम पे तो वो मना कर ही देता है, बट कई बार ऐसा होता है कि बाद में कॉल आता है कि बताइए सर उस दिन आपने बताया था जी, तो तब पता चल जाता है कि जो मैंने बताया था ये सच था, तभी ये दोबारा है। मतलब आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो आप उसका फ्यूचर बता देंगे या उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मोस्ट पता तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मेरे दिमाग में अभी अगला क्वेश्चन क्या है वो बता दें? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि दिमाग का चला हुआ बताना बहुत मुश्किल होता है। और जनरली एक चीज़ मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जी, कि समस्या लेके अगर आपके पास में कोई आया तो वो मज़े करने तो नहीं आया। हाँ, तो जो आजकल के लोगों का मैंने देखा है, बहुत जगह गया हूँ, देखो भगवान पे मैं भी मानता हूँ, वही राजराजेश्वरी मेरे पास है, वही देवताओं को मैं भी मानता हूँ, वही लोग बहुत सारे लोग मतलब लेके भी बैठे हैं जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, पूरा दिन बैठ के उन पर देवी देवता आ जाता है। तो आई वॉज सरप्राइज कि यार ये कैसे हो सकता है, एक भगवान इतना फालतू बैठा है कि वो 24 घंटे में से 8 घंटे आपके लिए आ रहा है और लोगों के न्योते बोल रहा है, क्या भगवान के पास काम नहीं? दिन के एक पहर में मैं मान सकता हूँ कि कभी भी आप शक्ति सुमरण कीजिए, हो सकता है कि आपके देवी देवता आप पे मेहरबान हो और वो आ भी जाएँ, बट वो आपके बिजनेस के लिए बैठे हैं। आई वॉज सरप्राइज, ये भी एक सरप्राइज है, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए मैं आपके मन की बात पढ़ लूँ, बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि आपकी जिज्ञासा बस किस चीज़ से आए हैं ये भी मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई वो नहीं है, आप किसी मनोचिकित्सक को बैठाइए वो आपकी आधी बात बाहर निकाल लेगा जी। बट मेन चीज़ क्या होता है कि आपका पास्ट बताया है वो एक्यूरेट बताया है कि नहीं, और प्रेजेंट बता रहा हूँ वो एक्यूरेट है कि नहीं, और जो फ्यूचर बता रहा हूँ वो तो आपको भविष्य में ही पता चलेगा। हाँ, तो मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप बता देते हैं। हाँ, आगे पीछे के कुछ दिनों के अंदर की घटनाएं बता सकता हूँ, तो ये हो सकता है। आपके फ्यूचर को लेकर अगर मैं बोलूँगा तो फ्यूचर तो देखिए हर चीज़ अलग चीज़ है, अभी से अगर मैं बताऊँगा तो आप बोलेंगे तो गैसिंग है, हो गया तो तुक्का, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट पास्ट में जो घटित हुआ अगर मैं वो बताऊँगा तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं। बट हर चीज़ के लिए भी एक समय होता है, प्रातःकाल और शाम का टाइम। अगर ये भी पॉसिबल है कि मेरे साथ 2-3 दिन पहले क्या हुआ या 2-3 दिन बाद क्या हो सकता है, पॉसिबल है आपके लिए बताना? हाँ, अगर आप सही टाइम पे अगर पूछते, अगर ये मॉर्निंग टाइम होता तो ज़रूर बताता, और इवनिंग टाइम होता पूजा का टाइम तो 110% मैं बता देता कि कुछ दिनों के अंदर का वाक्य क्या हो। ये होता आजकल ना एक टर्म, छोटी सी और बता देता हूँ, एक टाइम का आपका मन ये भी था कि अरे यार वो ना टाइम देना चाहते हैं मुझे और ना शायद वो इतने लेवल के हैं तो रहने ही दो अभी। हाँ, जब तक खुद से नहीं आते हैं, ये आपका पहला मन था कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको कॉल की थी तो ये होता है जी। तो ये चीज़ वो मन का आपका मैं बता देता हूँ, बाकी घटनाएं तो ऐसी हैं। देखो अगर किसी से रिलेटेड आपको मैं बहुत अच्छे से वेल नोन जानता हूँ तो आपकी पुरानी घटनाएं छोटी आसपास की तो बताना कोई बड़ी बात नहीं जी। फ्यूचर्स को लेके या पास्ट में जो हुआ है या आपके मन के अंदर क्या है या आगे क्या करना चाहते हैं इसको लेकर भी आप किसी से आम चर्चा के दौरान बता सकते हैं। बट हाँ, प्रॉपर अगर आपका कोई सवाल है जो वाकई में आपके जीवन में घटित हुआ है उसको लेकर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका 100% आंसर मैं वही दूंगा जो होगा। हाँ जी सर, आजकल एक टर्म बहुत यूज़ हो रही है मेंटलिस्ट, जो दिमाग को रीड करते हैं। तो मैंने कई लोगों की ऐसी वीडियोज़ देखी है जो भारत के नहीं पूरी दुनिया के पॉपुलर मेंटलिस्ट हैं। ओके, और उनमें से कुछ ऐसे भी जो मैजिशियन भी हैं। डेफिनेटली, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ढोंग कहते हैं।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि चमत्कार जब तक अपनी ज़िंदगी में घटित ना हो तब तक हमें वो ढोंगी लगता है, और जिस दिन चमत्कार हमारे जीवन में होता है तो हमें विश्वास होता है कि ऐसा कुछ भी है जो हमारे विश्वास से परे हैं। लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि जितने लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं ये एक ना आर्ट है, लेकिन हमारे सनातन में से सिद्धियाँ कहाँ जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, आप इससे सब कुछ बता देंगे, लेकिन मेंटलिस्ट क्या करते हैं, वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। देखिए तो ये और ये क्या फर्क है इसमें, क्या वास्तव में ढोंग है या फिर ऐसे ही कार्ड? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, बोलते हैं ना अभी पहले टाइम पे हम बोलते थे जादूगर होते थे जो पूरा ब्रिज गायब कर लेते थे, फिर हम बोलते थे ये नजर का धोखा होता है। अब अगर उसी को आजकल के जादूगर देखो तो वो इल्यूजन होते हैं, वो बनाते क्रिएट कर देते हैं ऐसी चीज़ें जो इल्यूजन बोलते हैं जिसको हम लोग, तो हर चीज़ अलग अलग है। बट अगर हम इन चीज़ों को सनातन धर्म से जोड़ के बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग बताते हैं। अच्छाई बुराई मंत्र ये सब काम करते हैं, यज्ञ हवन देवी देवता भूत प्रेत सब हैं, अगर मैं उस वे में बात करूँ। और दूसरे वे में बात करूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी अगर आप मानते हैं तो सर फिर ये चीज़ ढोंग नहीं है जी, सनातन फिर ढोंग नहीं है, क्योंकि आपने उसको नाम दिया पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे लिए तो वो आज भी वही है और हमेशा रहेगा। हम जीवित हैं तब तक, और मरने के टाइम पे भी अगर हम अपने शरीर को आग के हवाले कर रहे हैं ना तो भी एक रिचुअल है कि इसके और सदगति मिलेगी, मनुष्य जैसे आया था उसी अवस्था में उसको जलाया जाता है। तो मरने तक भी अगर हमारा विश्वास है कि जब तक मुझे आग नहीं दी जाएगी, मेरे शरीर को आग नहीं दिया जाएगा, तब तक दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, तो ये हमारा रिचुअल होता है, तो फिर ये गलत नहीं है। मतलब जो लोग मेंटलिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक आर्ट है, कुछ चीज़ वो आर्ट है, वो आर्ट है, लेकिन ये सिद्धियाँ हैं, ये सिद्धियाँ होती हैं। आप किसी योगी महाराज को अगर जाके बोलेंगे कि आपने क्या कमाया, आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो वो प्रूफ में क्या दे सकता है, ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। बट आप उसको बोलेंगे कुछ जादू करके दिखाओ, वो मैजिशियन नहीं है यार, उसने मैजिक करने के लिए नहीं बैठा, वो उसने जो ज्ञान अर्जित किया ना वो बांटेगा, उससे आगे इंसान को सद्बुद्धि आएगी, वो बुरे कर्म नहीं करेगा, अच्छा सोचेगा अच्छा करेगा तो उसको अच्छा ही मिलेगी। तो यही चीज़ है, ज्ञान किसी चीज़ के लिए नहीं है, ज्ञान सिर्फ इसलिए होता है कि आप अच्छा करो, अच्छा यूनिवर्स से एक्सेप्ट करो, तो उसके लिए हम भगवान को एक जरिया मानते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं लोगों की भाषा में, हम तो आज भी उसे भगवान ही बोलते हैं, हमारे लिए आज भी भगवान ही सब कुछ है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में आप जहाँ मर्जी उसको डाइवर्ट, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, शक्ल को देख के बताना कि क्या चल रहा है दिमाग में। तो सर इंटरेस्ट कैसा आया आपका इस लाइन में? नहीं, ये इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको बता देता हूँ, मैं वैसे कभी इस लेवल तक जाता नहीं था, मैं खुद 35 की एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी मेरे को, तो डॉक्टर ने बोला था आज के अभी अभी आपको स्टंट डलेगा तो आप बचेंगे, अदरवाइज तो ख़त्म है। और अभी बस मेरे मम्मी सिस्टर सब लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा अभी डाल दो। मैं फिर भी इतने होश में था कि ये शरीर जो है अगर इसमें एक छेद भी अगर कर दिया या कोई अलग से पार्ट डाला तो मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। आपका शरीर अपने में वज्र है, पंचभूतों से बना ना, आप इसको मेंटेन कर सकते हो अपनी तरीके से, बट इसमें बाहर की चीज़ ऐड करोगे वो आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो मैंने कहा मरना है तो है, मगर कोई चीज़ डलवा के नहीं मरना है, मैंने क्लियर बोला था मैं नहीं करूँगा। मैं बच के बाहर आया, उसके बाद में काफ़ी चीज़ें होती है जो डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट की थी, ये मत करना वो मत करना, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, आम इंसान हूँ, जैसी आप लाइफ जीते हैं मैं भी जीता हूँ, जो चीज़ें और लोग करते होंगे वो मैं भी करता हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, शराब आदि का सेवन नहीं करता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल वो है, ऐसा नहीं है कि ये भी किसी रिचुअल से ही जोड़ के हुआ है, ये मेरा पर्सनल व्यू इसलिए है कि शराब पीने के बाद आप खुद नहीं पता होता कि आप किससे किस तरह से वे में चले जाएंगे, या आप सही सलामत से घर पहुंचेंगे, या आप किसी से व्यवहारिक रूप में किस तरह से बात कर पाएंगे, तो इसलिए ये छोड़ दिया। दूसरा, नॉनवेज वगैरह मैंने इसलिए छोड़ा था, नहीं अच्छा लगता था, घर में था कि राजपूत हैं तो खाते हैं, सब खाते हैं, तो जब तक घर परिवार वाले थे तब तक खाया, उसके बाद में खुद अच्छा नहीं लगता था कि नहीं खाना चाहिए, पर पक्षी का मांस खा के मिलेगा क्या, तो वाला हिसाब है, तो इसलिए वो छोड़ दिया, बात ख़त्म। और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं उसको सात्विक और तामसिक और इसमें जोड़ूं, ये नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था, छोड़ दूँ और छोड़ चुका हूँ, तो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, दैट्स इट। वो तो ठीक है, लेकिन आप तंत्र को, क्योंकि तंत्र को और इन चीज़ों को भूत प्रेत वाली साइंस ने नकारता है,
वो कई बार इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह देते हैं। देखिए, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं कि मैंने बहुत सारे गेस्ट हैं मेरे जो मुझसे इन चीज़ों पे सलाह लेते हैं, और कईयों को प्रॉब्लम भी होती है। नो डाउट कि प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके अंदर होती हैं। अगर एक इंसानी जीवन है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आना बहुत नॉर्मल बात है। कईयों के लाइफ में नेगेटिव एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये बेसिकली जो मैं अगर तंत्र मंत्र अगर मैं बोलूँ, तो देखिए, अब एक चीज़ के लिए आपने कई साल लगा दिए एक साधना के लिए। अब आप चाहे उसे पॉजिटिव में मान लीजिए चाहे नेगेटिव में मान लीजिए। अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मैंने साल दिए हैं उसको पूजा करने के, उसमें मैंने सालों निकाल दिए। सेम चीज़ होता है अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसने भी उस बुराई को पाने के लिए सालों लगा दिए, यानी तंत्र क्रिया को। तंत्र क्रिया भी दोनों तो टाइप की होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। तो कुछ पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ नेगेटिव के लिए करते हैं। तो जिसने उस चीज़ के लिए टाइम दिया है तो डेफिनेटली उसका फल तो मिलता है। आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं तो उसका काम आया, बराबर। आपने एक एजुकेशन लिया तो उसका काम आता है। अब क्या होता है, यूनिवर्स में ये दोनों एनर्जीज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप ये मान लीजिए, अब मैं किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ वो ज़्यादा डेफिनेटली वर्क करती है। अगर मैं किसी के लिए बुरा करना है तो मुझे ऐसा नहीं होता है कि वो वर्क ही नहीं करती है। तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। लाइक मुझे किसी की अगर बुराई ही करनी है तो मैं नेगेटिव एनर्जी को खींचता हूँ अपनी तरफ, और जिसकी तरफ भेजना उसकी तरफ भेजता हूँ। अब डिपेंड क्या करता है वो भी बता देता हूँ कि आप पे वो कब वर्क करती है। जब आपका बैलेंस लो होता है, बोलते हैं ना इच्छा शक्ति, या जिसको हम अपने उसमें बोलते हैं कि दृढ़ शक्ति बोलते हैं, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और एक होता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ सुधर ही नहीं रहा। तो आप पहले से अगर आपका मोरल डाउन है, आप हर चीज़ से डाउन लेवल में चल रहे हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी असर करती है। क्यों? आपने यूनिवर्स से क्या लिया? सिर्फ नेगेटिव। इस चीज़ में आपके ऊपर ये सारी चीज़ें वर्क भी कर लेती है, मेरा जो मानना। देखिए, हर किसी का एक मूल अपना तरीका है समझाने का शायद, मगर मैं इसको एनर्जी फील्ड में ज़्यादा ले लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं उस भाषा में बोलूँ कि नहीं, भूत प्रेत ही होते हैं, तो प्रूफ करना मुश्किल है। हर किसी के लिए एक अलग चीज़ होती है। कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा आप प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करने का कोई भी जरिया नहीं। अगर हवा को भी आप प्रूफ करने जाएंगे तो दिखा नहीं सकते, प्रूफ सिर्फ एहसास होता है, फील कर सकते हैं। तो वही चीज़ें, मतलब ये वही बात होगी कि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बीमार नहीं होंगे एक्चुअल, और मेंटली अगर स्ट्रांग हो तो फिर सारी नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं करेगी एक्चुअल, ये उसी पे वर्क करती है। कितना खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने देखा है ना, लोग अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास जाते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मिसयूज बहुत होता है। तो कितना खतरनाक है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए इन तांत्रिकों के पास जाना, घोरियों के पास जाना। देखिए, मैं पहली बात तो मैं हर किसी को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी लाइफ में समस्या होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपने संसार में जन्म लिया है तो समस्याएं भी आपके पास हैं, तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। आप बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा अपने देवी देवताओं पर क्यों यकीन नहीं रख सकते हो? एक छोटी सी बात है कि हर घर में मंदिर होता है, आपके भी होगा, मेरे घर में भी मंदिर है। मगर हम अगर कभी भी अगर बोलते हैं ना कि सनातन धर्म वाले हिसाब में चलते हैं कि एक बड़ा सा मंदिर चाहिए, आज मुझे केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, या छोटे मंदिर की जगह बाहर के मंदिर में ही जाके पूजा क्यों करनी है? भगवान तो सर्वव्यापी है ना, उस बड़े मंदिर में भी वही भगवान है, आपके घर का भी वही भगवान है, उस धाम में बैठा हुआ वो भगवान है। बट वो शक्तिपीठ है, मान्यता क्या हो गई है सिर्फ कि शक्तिपीठ है, उसकी भी एक बाउंडेशन होती है। आप किसी भी तीर्थ पे जाने के लिए ना, एक पहले ही हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, जब आप सांसारिक जीवन से पूर्ण रूप से विमुक्त हो चुके हों उसके बाद आपको तीर्थ करने चाहिए। बट आज की डेट में हर यंग जनरेशन जो शादी करके कपल्स या लड़के लड़कियां कोई भी जाके उन तीर्थों में जाके बैठ जा रहा है, तो आप सोचिए क्या वहाँ के वो एनर्जी बच सकती है? नहीं। और क्या वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी? क्योंकि हर चीज़ों में लिखा गया, शास्त्रों में तो पहले लिखा गया है। तो वही चीज़ें मैं बोलता हूँ कि मंदिर आपके घर में है, भगवान आपके घर में, तो क्यों आपका बिलीफ सिस्टम वहाँ पे वर्क क्यों नहीं करता है? आपको लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? भगवान से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं है। और जो तांत्रिक बैठा है और वो क्रियाएं करता है वो भी उसी चीज़ के लिए करता है ना जी, तो वो भी भगवान से ही मांगता होगा ना, या काली से मांगता होगा, या किसी भी देवी देवता से मांगता होगा। पावर तो उसके पास भी वहीं से आई है ना, आनंद से, तो पावर आप क्यों नहीं ले सकते? पंचभूतों से बना वो भी है, और हम भी हैं, और आप भी हो, तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास भी होता है। आत्मचिंतन और मनन दोनों बहुत ज़रूरी है।
बोलते हैं ना, किसी भी समस्या को आप, छोटी सी बात बताता हूँ, आप कभी एहसास करके देखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और सामने से किसी ने आपको कोई वर्ड बोला हो या लिख के भेज दिया, आप मोबाइल आजकल नॉर्मल हो गया सभी के पास में होता है, आप गुस्से में बैठे हैं, किसी ने आपसे सिर्फ ये बोला क्या हुआ, आपके पढ़ने का तरीका क्या हुआ, तो ये हो गया अग्रेशन वाला, क्योंकि आपका मन इस टाइम पे इसी लेवल पे चल रहा है। एक हो गया क्या हुआ, तो फर्क आ गया, वर्ड में फर्क आ गया, सामने वाले ने तो नॉर्मल चीज़ लिख के दी है, बट आपने उसको अलग वे में बताया, तो आपको इरिटेशन हो गया, आप उसका और जवाब दोगे, वो अच्छा पूछेगा तो भी आप नहीं समझोगे, तो ये भी अपने अंदर है। बोलते हैं ना, दुनिया में अगर बुराई और अच्छाई ढूंढना है ना, तो सबसे पहले उसके लिए समझ होना जरूरी है। अगर आपके अंदर खुद की समझ नहीं है तो आप अच्छाई और बुराई भी नहीं देख सकते ना। तो पहले खुद को, वो इंसान को वो बना देना चाहिए कि वो बाहर वाले को समझे। आत्मचिंतन और मनन दोनों चीज़ें आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देती है। आप कहाँ गलत हो, आपने गलती कहाँ से शुरू करी और कहाँ पर उसका समाधान हो सकता है, कुछ देर बैठो, सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिलना शुरू होता है। मतलब यही माना जाए कि तांत्रिकों के पास जाना खतरनाक होता है, क्योंकि आप इतनी बातें बताई है उसका। सभी सभी चीज़ों में नहीं बोलूँगा, देखिए हमारे धर्म बने हैं, ग्रंथ बने हैं, सब कुछ है, बट कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। अभी अगर कोई मुझे बोले कि आज आप यज्ञ कर लीजिए, तो नहीं पॉसिबल होगा। और उस चीज़ के लिए प्रॉपर एक बोला गया है ना कि ब्राह्मणों के हाथों का यज्ञ ही आपको लगता है। अगर मैं अपने लिए कोई चीज़ करता हूँ तो वो वर्क करेगा मेरे लिए, क्योंकि पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। बट अगर मुझे कोई बोले कि आपके लिए मैं पूजा पाठ कर लूँ, तो वो आपको नहीं दे सकता हूँ मैं फल, क्योंकि उसके लिए पंडित बने, शास्त्र बने और उनके मंत्र बने, तो उनको सिद्ध करना मेरा काम नहीं है और कर भी नहीं सकता हूँ शायद। तो वही चीज़ है, मेरा काम जो है वो है, बट मैं अपनी समस्या तो अपने आप से दूर करूँगा ना जी। अगर मुझे मेरे घर पे रोटी कमा के देनी है तो मेरे ही घर के लिए करूँगा शुरू, पहले दूसरे का घर नहीं बनने जाऊँगा। तो ये चीज़ें भी वैसे ही वर्क करती हैं। और जो लोग इस विद्या के माहिर होते हैं, तो मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत भी की होती है। ये उसी प्रकार से है कि आप जिंदगी भर पुण्य कमाते रहिए, और जितनी बार आप आशीर्वाद देते हैं तो आप अपने पुण्य में से एक पुण्य उसको सौंप देते हैं। तो ये उसी तरह वर्क करता है। किसी का आशीर्वाद लगना भी तभी होता है जब आपने उतना पुण्य किया है। हमारे पहले के ग्रंथों में भी बोला जाता था, या सभी लोग मानते हैं, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों का मानना है कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बड़ा फलता है। तो वो इसीलिए होता है कि एक कंडीशन आने के बाद में आदमी सिर्फ भला सोचता है दूसरे का। तो जब वो आशीर्वाद स्वरूप आपको कोई चीज़ बोलता है कि तथास्तु या चिरायु भव या कोई भी आशीर्वाद देता है, तो वो आपको अपने एक गुण दे रहा है, तो वो आपके उसमें से एक चीज़ उसको चली गई, तो आशीर्वाद वर्क करता है। बट आपने यदि वो कार्य ही ना किए हो कि आपका आशीर्वाद किसी को लग सकता है, तो कैसे आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा। लेकिन तंत्र के नाम पर लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं। देखिए, कहते हैं कि तंत्र से ऐसा कुछ, तंत्र या मंत्र किसी की भी शक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। और उसी तंत्र का आजकल जो देखा जा रहा है, मोस्टली लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर वो एक धन का लालच हो गया है। देखिए, अभी मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, एक चीज़ में मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई ये चीज़ बोलता है कि आपके ऊपर ये चीज़ किया गया है, या ब्लैक मैजिक किया गया है, या जादू टोना कर दिया है, ये कर दिया है, तो मैं तो सबसे पहले उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके पास सोल्यूशन है? अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है दूसरे को वो डर और वहम पैदा करने का। समस्याएं हर किसी के जीवन में, या तो आप उसका हल लेके चलो, तब आप किसी को उसकी समस्या बताओ। ये उसी तरह है एक डॉक्टर की तरह। अगर डॉक्टर किसी को बोल दे कि आपकी किडनी फेल हो गई, आपके पास इलाज होना चाहिए, तो ही आप किसी को बोलोगे ना। डॉक्टर डेफिनेटली उसका इलाज जानता है, तो ही वो बोल रहा है। और आप किसी भी ऑर्गन के लिए उसी टाइप के डॉक्टर के पास जाओगे। पेट में दर्द है तो गैस्ट्रो वाले के पास ही जाओगे, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी वाले डॉक्टर के पास जाओगे, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले पे। तो उसके पास सोल्यूशन है, तभी वो आपको बीमारी को पूरा टेस्ट करके आपको बकायदा रिजल्ट दिखाता है कि ये बीमारियाँ आपके पास में हैं, तो आपको इस चीज़ का इलाज कराना है। बट उसके पास इलाज है, मेडिसन्स है, तो ही वो बता रहा है। अगर आपके पास इलाज नहीं है, तो आप उसके दिमाग में वहम भी नहीं डाल सकते। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है? काफ़ी जगह पे और बहुत जगह पे मेरे पास भी आए हैं। इवन मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो वहम का भी शिकार होते हैं। मैं तो उनको डायरेक्ट ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको कैसे लगता है, तो वो अपने जीवन का लेखा जोखा होता है ना कि मेरे घर में ये बीमार हो गया, अचानक से ये हो गया, पिछले साल इसकी डेथ हुई, उसकी डेथ हुई है। ठीक है, होता है, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, नॉर्मल जीवन है। कोई धर्मात्मा हम नहीं है या भगवान नहीं बन के आए हैं, पृथ्वी में मनुष्य रूप लिया ना, तो कभी भी हो जाती है।
हाँ कभी होता है कि एनर्जी फील्ड बदल जाते हैं या कई चीज़ें होती है आपके घर पे, जैसे कईयों को मैंने सुना है कि हमने एक घर लिया है तो इस घर का वास्तु खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, भूमि तो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे है ना, हाँ। एक ही है ना, चाहे यहाँ की ले लूँ, अमेरिका की ले लूँ, यहाँ की ले लूँ, कहीं की भी। अब उसमें बोलते हैं कि काली मिट्टी वाली भूमि खराब होती है, लाल मिट्टी वाली जो हल्की उसमें होती है वो अच्छी होती है, अलग अलग वो सब बांध दिया गया। आप ये बताइए धरती को आप कैसे गलत और अच्छा या गलत बता सकते हैं? गंदा करने वाले भी आप हैं, अच्छा बनाने वाले भी आप ही हैं ना। आप पौधा लगा दीजिए, एक पूरा बगीचा बन जाता है, उसमें काली मिट्टी ही डलती है, वहाँ पे फूल ही खिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ और खिल जाता है। डेफिनेटली जी, उसी में आप कचरा डालना शुरू कर दीजिए, वो लाल भी रहेगा मगर तब भी कचरे तो कचरा ही है ना। आप वहाँ पे जाके सोएंगे तो नहीं, या वहाँ घूमने नहीं जाएंगे ना। तो ये सब एक सोच के ऊपर आ जाता है। मैं बोलता हूँ आप जैसा अपना मन पक्का बनाएं, आपके लिए चीज़ें वैसी वर्क करती हैं। ये यूनिवर्स में ना दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप क्या ग्रैब करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि एक्चुअल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने वाले, उस चीज़ में मैं अगर जाऊँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ कई बार होता है, कईयों के साथ वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी हो जाती है, बट वो भी आप ही की सोच के ऊपर। घर में एक छोटी सी घटना हुई है, अभी कोरोना काल आया था लास्ट टाइम पे, आधे से ज़्यादा जो पेशेंट डेड हुए हैं वो हॉस्पिटल में जाके हुए, घर वाले बहुत इक्का दुक्का हुए हैं, शायद जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन ले लिया। उसका रीज़न क्या था, कितनी बड़ी बीमारी थी। मैं कोरोना में खुद हॉस्पिटल में भी होके आया हूँ और यहाँ शहर के माने जाने डॉक्टर के पास में गया हूँ जिनका के ऑक्सीजन लेवल 55 हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑक्सीजन लेवल और गिरेगा तो ये ख़त्म हो सकते हैं, बट उनका बिलीफ सिस्टम मेरे पे वर्क कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा जी। इवन मैं उस कोरोना काल में गया भी हूँ उनके पास में और वो ठीक भी हुए हैं। 7 days का मैंने उनको टाइम दिया था, विद इन 7 days वो डिस्चार्ज हो गए थे और अपने घर पे अभी स्वस्थ हैं। इस देहरादून के ही बहुत माने जाने डॉक्टर, नहीं नाम लूँगा किसी का भी, पर्सनल वो नहीं करूँगा, बट क्या होता है ये बिलीफ सिस्टम होता है। मैं अगर एक अपने घर के देवी देवताओं पर यकीन मानता हूँ, एक मूर्ति रखी है उसको स्थापित किया है, मैं अगर उसमें ये बिलीव रखता हूँ ये मेरी राजराजेश्वरी है, मेरी माता राजराजेश्वरी है, जो इस मंदिर के दर तक आया उसको वो चीज़ें मिलती हैं, या मैं इसको लेके बैठा हूँ तो ये मेरी एक शक्ति का स्रोत है, तो वो है। अगर मैं ये मानना छोड़ूँ कि ये एक पीतल की मूर्ति है, नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि लाने वाला मैं हूँ, बनाने वाला कोई और है, आई तो मार्केट से ही है ना, तो देवी तो नहीं है ना, बट उसमें शक्ति कैसे आई है, मेरे बिलीव सिस्टम से। वो जो मंदिर सजाया उसका दरबार सजाया मैंने सजाया, बनाने वाला भले ही कोई और था, उसको रूप दिया या जो आस्था दी वो मैंने दी है, तो वो मंदिर भी मेरे लिए मंदिर है। सर लास्ट में आप ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछी है अब तक जी, तो लोग इसमें बहुत विश्वास भी रखते हैं और कहीं ना कहीं ये विश्वास अंधविश्वास में बदलता है और फिर लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए मैं तो हर किसी से आज तक एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है। समझ सकते हैं कि जब आदमी मेंटली कंडीशन में बहुत डाउन हो चुका होता है ना, तो चाह के भी बिलीफ सिस्टम नहीं बना पाता है, क्योंकि उसको तो अपने आसपास की घटनाएं पता हैं। आप अगर बोलते हैं ना कि मेरे साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही हैं तो मैं कितना भी मन ध्यान लगाऊंगा ना तो मन का भटकाव ख़त्म नहीं होगा, तो उसके लिए लोग दूसरे के पास जाते हैं कि उपाय बताएगा, कोई पंडितों के पास जाता है, कोई मौलवियों के पास जाता है, कोई देवी देवता वाले के पास में जाता है, तो हर कोई ना एक कोना ढूंढता है जहाँ उसको जिज्ञासा शांत हो जाए या कोई ऐसा उपाय मिल जाए जो चमत्कार कर जाए। तो कई लोग बुरे भी होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, कई लोग अच्छे होते हैं जो कर भी लेते हैं, बट मैं जहाँ तक एक बार के लिए मानता हूँ कि आप इधर उधर जाने से पहले ना एक बार अपने घर के भगवान पर तो यकीन कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन बाहर ही क्यों है, आपके घर में क्यों नहीं है यार। अगर आप पूरे मैं बोलता हूँ अगर आप अपनी समस्या को लेकर कम से कम 4-5 जगह गए हैं और पूरा पूरा दिन में से अगर आपने 3 घंटे भी बर्बाद किए, उस 3 घंटे को प्रॉपर अपने घर के मंदिर के आगे बैठ के कर लो ना, मांगो उससे भगवान से, उठूंगा नहीं जब तक तू सॉल्यूशन नहीं देगा, क्या पता आपका काम ही वहीं पर बन जाए, क्यों आपको किसी और की ज़रूरत है। वो जो कोई और भी आपको दे रहा है ना वो भी अपना ज्ञान अर्जित करके ही दे रहा है ना, क्योंकि उसका भगवान पे बिलीफ सिस्टम ज़्यादा है, भगवान को इतने लेवल तक मानता है, वो उसी की पूजा आराधना में लगा हुआ है, शायद उसके बोले से आपका चीज़ें कम हो जाती हैं या उसके किए हुए से आपकी चीज़ें कम हो जाती, बट वो चीज़ आप भी अर्जित कर सकते हो पूरे दिन भर में ना, 5-10 मिनट भगवान को ही तो देने,
सच्चे मन से दे दो, एक बार बैठो सच्चे मन से 10 मिनट दे दो, आधी समस्या आपकी वहीं से दूर हो जाती है, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही चीज़ हम करके देते हैं, बट वही वाली बात है कि अपने घर का थोड़ा सा आपको दे दिया, थोड़ा सा उधर बांटा, थोड़ा सा उधर बांटा, तो कमाना फिर पड़ता है। तो वही चीज़ आपको भी भगवान ही देगा, जो मुझे भगवान ने दिया ना वो सबको देता है। मैं भी पंच तत्व से बना हूँ, आप भी उसी हार्ड मास के बने हैं, सब चीज़ें वही आपके अंदर हैं, बट शरीर अलग अलग है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई छोटा है जी, तो बस फर्क वही आ जाता है। तो मिलता सबको है, आप कितना लेना जानते हैं वो अलग हो जाती है। आप बिलीव सिस्टम में खाली ये बोलेंगे कि भगवान तो मैंने रखा है, मगर मुझे वहाँ वाले मंदिर में जाके वो चढ़ावा चढ़ा के आना है, वहाँ भगवान अलग कैसे हो गया है? मूर्ति बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, स्ट्रक्चर बड़ा या छोटा हो सकता है, भगवान तो वही है ना। तो घर पे भी वही भगवान है, बाहर भी वही है, आप करना तो शुरू करो। ठीक है, किसी जगह पे जाके सुकून इसलिए भी मिलता है, वो शक्तिपीठ होता है, या 100 लोगों की, 1000 लोगों की मान्यता एक जगह पे वर्क करती है, तो वहाँ पे भी वो पॉजिटिविटी देती है, मैं मानता हूँ, बट वो पॉजिटिविटी आपके घर पे भी है, आप उसको भी तो मानो पहले। ये तो वही वाली बात है कि मेरा बेटा तो ना कमाए वो निकम्मा, और जग भल का भलाय का बेटा, उसका बेटा अच्छा, उसका बेटा अच्छा, तो उसका बेटा उनके लिए अच्छा है। आपका बेटा तब अच्छा होगा जब आप उस पर ध्यान दोगे। तो ये हमेशा रखो कि पहले अपने घर की चीज़ को वैल्यू दो, तब बाहर की चीज़ों को। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आप ही के पास होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसके सॉल्यूशन बाहर से मिलते हों। ठीक है, कई बार हो जाता है कि आपके आसपास का ऑरा इतना ख़राब हो चुका है या माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तब आप बाहर जाते हैं, बट कम से कम जो आपको उसकी प्रॉब्लम गिनवा रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उससे एक बार निष्कर्ष जरूर पूछिए, श्योरिटी है कि निष्कर्ष है। अदरवाइज़ तो मैं सभी को बोलता हूँ, कभी किसी के दिमाग में कोई गलत वो मत डालिए इंटेंशन कि वो प्रॉब्लम ना आपके पास सॉल्व करने का तरीका हो और वो भी ना कर पाए, तो वो और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मतलब शॉर्ट में यही है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो नेगेटिव रास्ता चुनने से अच्छा है कि भक्ति positive. का रास्ता चुने, भगवान positive. के सामने बैठ के आज आप कैसे भी भक्ति करें। भी पॉजिटिव वाला हिसाब रहता है। आप सुबह उठ के, आप एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ, सुबह उठ के आप उठते ही साथ में या तो स्माइल के साथ चेयर अप होके उठे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आप सुबह उठते ही पहले सोचो कि आज उससे ये करना है, उससे ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसा करना, उसको वैसा करना, आपका पूरा दिन इसी चीज़ को सोचने में निकलेगा। पॉजिटिविटी कैसा होता है, हम बोलते हैं कि सुबह उठे, भगवान को याद किया, हाथ जोड़े, 5 मिनट भी अगर आपने उस भगवान को बोला, हे भगवान ये आज का दिन भी तेरे लिए समर्पित है, जहाँ जाऊँगा जो कार्य हैं वो तेरे हाथों से होंगे, मैं तेरे लिए चल पड़ा, बस आज तो मेरे साथ चल, बस इतना ही होता है। हर घर का एक मंदिर होता है, आपने कभी गौर किया होगा, हमारे माँ बाप भी पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हो बेटा, डेफिनेटली आए हो तो पूछ लेते आ गया बेटा, तो जवाब देना पड़ता है ना। इसी तरह ना जो घर में बैठा हो भगवान है ना, वो भी एक सदस्य ही कहा जाता है, वो घर का बड़ा है, अपने माता पिता से भी बड़ा हो जाता है भगवान, है ना। ठीक है, वहीं पे माता पिता है, वहीं पे हुआ, अगर माता पिता उस घर में नहीं है तो भगवान तो है, कम से कम जाते हुए भगवान को हाथ जोड़ो, काम पे जा रहा हूँ, आने के बाद में एक हाथ जोड़ लिया, भगवान आज सही सलामत लिया है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और भगवान देने के लिए नहीं बना है, भगवान किसी को देने के लिए नहीं बना है, ये भी मैं बोलता हूँ, जो मंदिरों में बैठ के अरदास लगाने बैठ जाता है, भगवान मुझे एक गाड़ी दिला दे मैं 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब गाड़ी तो चलो भगवान ने दिला दी, वो प्रसाद भगवान ने खाया, जग का देने वाला तुमसे क्या मांगेगा, आपसे सिर्फ हो ना वो मांगता है एक छोटी सी भक्ति, आप वो भक्ति दे दोगे ना तो आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाना है, तो फैक्ट है। तो सर लास्ट में मैं ये मेन चीज़ अब लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि आप जिन चीज़ों पर आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप करते हैं, अब इस वीडियो को देखने के बाद ना लोग एक ही चीज़ पूछेंगे, एड्रेस बताओ और फ़ोन नंबर बताओ। देखो मेरा मानना यह है कि अगर आपके लिए मैं सॉल्यूशन हूँ तो 100% आप घूम फिर के मेरे पास पहुँच ही जाएंगे जी। और अगर मैं ये बोलूँ कि कई लोग जो अभी भी हैं मेरे US UK तक के भी गेस्ट हैं, जिनके फ़ोन मैसेज आते हैं, उनके काम भी करके दिए, बट वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि कई ऐसे हैं जो मेरे अगल बगल ही रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है, या वो कोशिश तो करते हैं कि राणा जी मैं इस बार सैटरडे या ट्यूसडे को आपके पास आ रहा हूँ, बट या तो उनके काम निकल चुके होते हैं या मेरा काम कुछ ऐसा निकल आता है कि मैं उस दिन उनको प्रेजेंट नहीं दे पाता हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखिए अगर किस्मत में मैं आपके लिए सॉल्यूशन बन के आया हूँ तो हर एंगल से आप मेरे तक पहुँच ही जाएंगे,
और अगर मेरे पास, शायद अगर ऊपर वाले ने ये सोचा हो कि आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। मतलब आपका नंबर दे सकता हूं? और मेरा, हाँ आप दे सकते हैं, डेफिनेटली दीजिए। आपका और मेरा मिलना भी संयोग है जी। तो बस ये भी सोचिए कि ना मैं आपको जानता था, ना आप ये जानते थे कि मैं इस वे में भी हूँ, क्योंकि आप तो मुझे किसी और वे में मिले थे। उम्मीद करते हैं आपने ये नेगेटिविटी और पॉजिटिव एनर्जीज, भूत प्रेत वशीकरण और फ्यूचर बताने वाली बातों के बारे में, और साथ ही इससे जुड़े अंधविश्वास के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, जो आपकी जीवन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपकी मदद कर सकता है। सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ध्यान ना रहा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन मिल वही पाएगा जिसकी तकदीर में लिखा होगा आपसे मिल पाना, सॉल्यूशन पा पाना। देखिए, मैं इतना भी जरूर बोलूँगा, बहुत सारे लोग आते हैं जो ट्राई करते हैं कि लाइक कि सच है या झूठ है जी, बहुत आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं और शायद इस वीडियो के बाद भी आएंगे। तो मैं उन्हें ये ज़रूर बोलूँगा, देखिए आप ज़रूर करिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि सच है या झूठ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो वो झूठा ही है। हाँ। क्योंकि देखिए, जीविका हमें भी चलानी होती है, औरों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं अपने लिए अकेला काम नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए करता हूँ। तो ऐसा नहीं पॉसिबिलिटीज़ होती, हर टाइम टाइम लेके घूमता हूँ। तो मेरे दो ही दिन हैं, मंगलवार और शनिवार। उसके लिए भी ये रहता है कि पहले अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, पॉसिबल हुआ तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं हुआ है। तो मतलब फिर उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई फेक है या नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम अवेलेबिलिटी किसी की भी पॉसिबल नहीं जी। सो दैट्स, तो मतलब ये है कि जिसकी किस्मत में मिलना लिखा होगा उसको मिलना नसीब हो जाएगा, नंबर मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह से और भी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूंगा। अगर आपको सर के साथ एक और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह और भी वीडियोस मैं लाता रहूंगा जिससे लोगों के बीच के अंधविश्वास दूर होते रहे और हमें वास्तविकता से हम परिचित होते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।